डड्डू माजरा में खड़े हैं। पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड है, पूरा पहाड़ कूड़े कूड़े कचरे से बना हुआ है। हर सीजन के हिसाब से समस्या भी अलग अलग हो जाती है। बरसात के टाइम में सड़ा हुआ गंदा पानी हमारे घरों में आ जाता है, जब आंधियाँ चलती हैं सारा कचरा उड़ के हमारे घरों में आता है, और अलग अलग प्रकार की जैसे आग लगती है, 10-10 दिन तक आग बुझती नहीं है, हमें अपने घर छोड़कर बाहर शरण लेनी पड़ती है, कई अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, तो ऐसे हालातों में यहाँ रह नहीं रहे, हम तो मजबूरी में रह रहे हैं। बातें यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक दीवार है। ये दीवार को बने सिर्फ 3 महीने हुए हैं। डेथ हो चुकी है, इसकी बदबू की वजह से कई लोग मर चुके हैं। प्रशासन को यहाँ डंपिंग ग्राउंड ही बनाना था तो घर क्यों बसाने थे, लोगों को क्यों बसाना था, लेकिन ये हालात करके रख दिए कि यहाँ लोग ना आत्महत्या करने को मजबूर है। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, यहाँ रिश्ते ठुकराए जाते हैं, घर घर में कैंसर चमड़ी के पेशेंट पाए जाते हैं। मेरा अटैक पड़ गया घर वाले को, वो मिनट में ख़त्म हो गया, इसकी बदबू सी चढ़ गई। फिर मेरे 6 साल हो गए मेरे मुंडे नू, कोई कमाने वाला मेरे घर में नहीं है, मेरा घर खाली हो गया। 35 करोड़ रुपया खर्च किया मैडम उस कचरे को हटाने के लिए, ऊपर से जिसको हटाने को कह रहे थे वो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ के खड़ा हो गया एक पर्वत के। जिस बुजुर्ग ने अभी 10-20 साल और जीना था तो वो मैं बताता हूँ कि उनका तो पीछे बुजुर्ग कई मार गए थी बदबू नाली में। चंडीगढ़ के लिए अभिशाप है ये डड्डू माजरा कॉलोनी। खूबसूरत चंडीगढ़ के आज हम एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। डड्डू माजरा में खड़े हैं, पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड है, पूरा पहाड़ कूड़े कूड़े कचरे से बना हुआ है, और जो ये पहाड़ है कोई बाहर नहीं बना हुआ, चंडीगढ़ से कोई दूर नहीं है, रेजिडेंस एरिया में बना हुआ है जहाँ पर लोग रहते हैं। सिर्फ एक दीवार का फासला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिर्फ एक दीवार बनाई गई है, एक दीवार का फासला, और उसके पीछे जो है ये कूड़े का पहाड़ खड़ा है। अगर हमारे घर में भी थोड़ा सा गीला या सूखा कूड़ा पड़ा होता है वो इतनी स्मेल मारने लग जाता है कि वहाँ पर हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कूड़े कचरे को बाहर फेंके कि पूरे घर में जो है स्मेल फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ है और यहाँ पर रेजिडेंस एरिया है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आज हम लोगों से बात करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी गंदगी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर में ही गंदगी, थोड़ा सा कूड़ा बर्दाश्त नहीं होता, और ये लोग बहुत समय से ये कूड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज हम इनसे जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर रहते हैं, हम इनसे बात करेंगे, यहाँ का जो माहौल है किस तरह से, इन्हें क्या कुछ परेशानी आ रही है जानते हैं। सर, यहाँ डंपिंग ग्राउंड है, सिर्फ एक दीवार का फासला है, यहाँ पे आपके घर हैं, कितनी क्या कुछ जो परेशानी है वो आपको झेलनी पड़ती है। आपने मैडम यहाँ देख ही लिया होगा कि 10 कदम पर ये दीवार बनी हुई है डंपिंग ग्राउंड की, और हमारा घर है, हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कि हम लोग डंपिंग ग्राउंड पर रहते हैं, मतलब रहसी एरिया तो लगता ही नहीं किसी भी एंगल में, कचरा है उड़ के हमारे घरों में आता है। हर सीजन के हिसाब से समस्या भी अलग अलग हो जाती है। बरसात के टाइम में सड़ा हुआ गंदा पानी हमारे घरों में आ जाता है, जब आंधियाँ चलती हैं सारा कचरा उड़ के हमारे घरों में आता है, और अलग अलग प्रकार की जैसे आग लगती है, 10-10 दिन तक आग बुझती नहीं है, हमें अपने घर छोड़कर बाहर शरण लेनी पड़ती है, कई अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी एक बार पीछे आग लगी थी 1 हफ्ते के लिए, कई लोगों ने गुरुद्वारे में जाके शरण ली है, हम 3-3 दिन गुरुद्वारे में रहे हैं, तो ऐसे हालातों में यहाँ रह नहीं रहे, हम तो मजबूरी में रह रहे हैं। मैम, ये कोई ज़बरदस्ती हमने यहाँ पे अक्रोचमेंट नहीं की, ये घर जो है हमें अलाट किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से मुरारजी देसाई के समय में, और आज हालत ये हो गई है, अगर प्रशासन को यहाँ डंपिंग ग्राउंड ही बनाना था तो घर क्यों बसाने थे, लोगों को क्यों बसाना था, अगर आपने लोगों को बसाया तो डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह ढूंढनी चाहिए थी आपको, लेकिन ये हालात करके रख दिए कि यहाँ लोग ना आत्महत्या करने को मजबूर है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, यहाँ रिश्ते ठुकराए जाते हैं, घर घर में कैंसर चमड़ी के पेशेंट पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। चंडीगढ़ के लिए अभिशाप है ये डड्डू माजरा कॉलोनी। और एक बात और है, इसमें खाली हम प्रभावित नहीं हैं, यहाँ साथ में धनास लगता है, 38 वेस्ट है, और 24-25 यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, 15 सेक्टर, 24 सेक्टर, ये सभी इस डंपिंग ग्राउंड से प्रभावित है। सर,
वैसे कहा जा रहा था जब भी कोई सरकार आती है कहती है कि पहले डंपिंग ग्राउंड का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले जो आपने थोड़े टाइम पहले जो है यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ था, काफ़ी जो 1.5 करोड़ रुपए के मशीनें लाई गई थी, सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया यहाँ पे? नहीं मैडम, वो जो था बायो माइनिंग के नाम से इन्होंने एक प्लांट लगाया था, गवर्नर साहब ने उद्घाटन किया था। हम उस समारोह में हम भी बैठे हुए थे और हमें कहते थे कि अब तो दयाल जी यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी, इसका श्रेय हम देते हैं, आपको भी देते हैं, हमारा सम्मान भी करा। 33 करोड़ रुपया खर्च किया मैडम उस कचरे को हटाने के लिए, और हमें ये बोल रहे थे कि ये पहाड़ हटा देंगे, लेकिन जब मशीनें लगी वो इस पर नहीं लगी। वहाँ पर कितने साल, 30 साल 15 साल पुराने का एक कचरा पहले ही पड़ा था, उसको इन्होंने कैपिंग कर दी थी, उसको खोदने के लिए इन्होंने 33 करोड़ रुपए लगाया। उसको खोदते रहे, हमारे को कुछ नहीं उससे मिला, फ़ायदा नहीं हुआ कोई भी। ऊपर से जिसको हटाने को कह रहे थे वो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ के खड़ा हो गया एक पर्वत के। जिस दिन गाजीपुर में जो हादसा हुआ था ना, वो तो कुछ नहीं था, वहाँ पे बीच में सड़क है, नाला है, एक तालाब है, उसके बाद रेजिडेंस एरिया आता है। यहाँ तो आपने देख लिया 10 कदम पर दुनिया बैठी हुई है, यहाँ भी स्पोर्ट हुआ तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा होगा। सर जो सांसद मैम है वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोलती? वो मैडम जी बोल के गए थे कि प्लांट लग गया जी, मैं यहाँ पे हर 15 दिन बाद दौरा करूँगी और इस प्लांट को, ये जो काम कर रही है इसकी कार्यशैली को मैं देखूंगी। लेकिन उसके बाद किरण खेर मैडम यहाँ नज़र नहीं आए, वो तो मतलब पूरे शहर में नज़र नहीं आए। अगर ऐसे सांसदों को हम जिताकर सत्ता में बिठाते हैं जो अपने बॉम्बे बैठ जाए जाके, फिल्मों में ज़्यादा ध्यान हो, ऐसे सांसद बनाते क्यों हैं? मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टियाँ टिकट क्यों देती हैं? मोदी ने अपने स्टेज से मंच से बैठ के बोल दिया कि आपकी वोट सीधी मेरे को जाएगी, मतलब किरण खेर को नहीं जाएगी। लोगों ने भी विश्वास कर लिया कि शायद मोदी इस डंपिंग रोड को देखेंगे अपनी आंखों से, वो निजात दिलाएंगे, तो लोगों ने उन्हें जिता दिया यहाँ से। अब देखो हालात क्या है, मोदी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ लोगों का दर्द क्या है। तो ये सब है ना एक पॉलिटिकल चाल होती है। अभी इलेक्शन आ गए हैं, दोबारा से फिर इस डंपिंग ग्राउंड का राग अब दोबारा से गाया जाएगा और हम लोगों को गुमराह किया जाएगा। मतलब आपको लगता है कि राजनीति के लिए सिर्फ ये डंपिंग ग्राउंड वोट लेने के लिए यूज़ किया जाता है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक राजनीति अखाड़ा है, इसमें कभी कोई उतर जाता है, कभी कोई पार्टी उतर जाती है। हम लोगों का हमारी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है, हमारी समस्याओं के लिए कोई किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। हर कोई कहता है कि डंपिंग ग्राउंड में, चंडीगढ़ में डंपिंग ग्राउंड के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ जब देखो ना आप, इतनी डेवलपमेंट हो गई है शहर में, बहुत कुछ बनाया जा रहा है, जब उस जगह को आप पहले घेर के बैठे हुए हो, बड़े बड़े अफसरों के लिए छोड़ रहे हो, तो डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह बचेगी कहाँ से? तो मेरा तो यही कहना है, तो अगर इनमें ईमानदारी हो तो सब कुछ हो सकता है। सही बात है, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक दीवार है, दीवार भी शायद अभी बनाई गई है। ये दीवार को बने सिर्फ 3 महीने हुए हैं, वो भी इसलिए बनाई गई है कि हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लगा है जिसकी 26 नवंबर की डेट है, तो ये दिखाने के लिए बनाई गई है। मैं तो यूँ कहूँगा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दीवार बनाई गई है, अदरवाइज़ इस दीवार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बदबू वैसी ही आएगी, कचरा वैसे ही उड़ेगा, तो यहाँ के जो लोग हैं इससे बहुत परेशान है। अब तो यूँ लगता है मैडम कि हम लोग सचमुच आत्महत्या कर रहे हैं, पर धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार नहीं मर रहे हम, रोज़ रोज़ मर रहे हैं, ऐसे लगता है हमारे को। हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, हमारे माँ बाप जब आए थे हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी शादी के लिए हम खड़े हैं, देख रहे हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मतलब बहुत समय से जो है इसकी जो बदबू है वो पूरा जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो झेलते आ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, इसी इलाके के जो डंपिंग रोड के आसपास रहते हैं उनका तो नरकीय जीवन है, मर गए यहाँ से। जब भी मैं कहता हूँ बुजुर्गों की, जो जिस बुजुर्ग ने अभी 10-20 साल और जीना था, तो वो मैं बताता हूँ कि उनका तो समय से पहले ही मतलब कि इस दुनिया में नहीं रहे। ये बुजुर्ग हैं मेरे सामने खड़े, पूछ सकते हो आप इनको, एक मिनट बाबा जी आप बताएंगे, ये भी यहीं रहते मेरे साथ में हैं, हमारे मोहल्ले के ही हैं, आप इनसे पूछ के देखें। क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, इतना स्मेल, सिर्फ एक दीवार, जाइए भी किसी मकान छड़ेगा, कबील दा गरीब आदमी दिहाड़ी करके सौंदे जाएगा, जाना भी कितने। किरण खैर भी यहाँ पर कुछ कोई सुनाई नहीं करता था, किन्ने भी कर लिया, ये पीछे बुजुर्ग कई मर गए थे, बदबू नाले मरे। कितने टाइम से यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है सर? हम 79 के आए हैं, 79 के चालू हो रहेगा, किसी ने कोई नहीं सुनाई कर रहा, आकर देख कर चले जाते हैं। तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं सर? इलेक्शन किसी ने वोटें नहीं देनी है, इलेक्शन यही नहीं होना तो वोट कौन दे देगा सर? यहाँ पर इसके लिए कुछ करेंगे इसके लिए, होता कुछ नहीं है बस। जो दीवार भी बनाई गई है 2-3 महीने पहले बनाई गई है, ये भी रिसेंटली बनी, तो अभी बनी है बिल्कुल, ये तो सिर्फ दिखावा है, कोड़ा नजर ना आए, बाकी इसे मतलब तो कुछ इसे
तो सिद्ध नहीं होता, बदबू तो आएगी आएगी जो मेन समस्या है। ये वो लोग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दीवार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने पहले बनी है, सिर्फ और सिर्फ सरकार जो अपनी नाकामियों को छुपा रही है। यहाँ पे बहुत सी डेथ हो चुकी है, इसकी बदबू की वजह से कई लोग मर चुके हैं। जैसे सर ने बताया कि चमड़ी के पेशेंट हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर ये सब कुछ बीतता है, जिनके परिवार के लोग गए इस बदबू की वजह से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से आपके घर के मेम्बर भी आप खो चुके हो और सरकारें यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी कोई कुछ नहीं करता। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था लुधियाने से, तो वो बोलने लगे कि जी सोसाइटी में मकान लो तब हम शादी करेंगे, जबकि 8 साल का उनका रिलेशन था बेटी का, तो सिर्फ इसकी वजह से रिश्ता टूट रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला कि अगर तुम्हें करना है तो इसी सोसाइटी में करो, हम तो इतने अमीर हैं नहीं जो हम सोसाइटी में जाएंगे, अगर तुम हमारे घर का रेंट दोगे तो तब हम चले जाते हैं सोसाइटी में, लड़के वाले को ऐसे बोला उसने। तो फिर उन्होंने मजबूरन फिर ये शादी करी है। घरों के मतलब लड़कियों के रिश्ते होने, लड़कों के रिश्ते होने भी रिश्ते होते ही नहीं है, जो कोई कहता है रिश्ते की बात चलती है, कहाँ रहते हो बोलते डड्डू माजरा कॉलोनी, कहते नहीं नहीं जी हमने वहाँ नहीं करना, वहाँ तो बहुत गंदगी है, पहले ही बोलने लग जाते हैं, किसी का रिश्ता नहीं होता। जवान जवान बच्चे ऐसे बैठे हैं और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे को सांस नहीं आता, ये दीवार बनाने से क्या होगा, क्या बदबू रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी, बस उनको बोर्ड चाहिए, बोर्ड के टाइम पे वो खड़े हो जाते हैं, जी हमें बोर्ड दो हम ये डंपिंग घर उठाएंगे, कुछ नहीं उठाते वो, एक बार वो चिपक जाते हैं सीट के बाद तो उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुनता है, किसी की नहीं सुनते। गरीबों के घर उनको वोटों के टाइम पे याद आते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल बेपहचान हो जाते हैं। मैम, इस बदबू की वजह से आपके घर के मेंबर गए हैं, क्या बोलो? मेरा अटैक पड़ गया घर वाले को, वो मिनट में ख़त्म हो गया, इसकी बदबोसी चढ़ गई। फिर मेरे 6 साल हो गए मेरे मुंडे नू बीमार होते, कैंसर की बीमार हो गया, यही बीमारी से अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कोई कमाने वाला मेरे घर पे नहीं है, मेरे 4 चले गए, मेरे मैडम घर से, मेरा घर खाली हो गया, मैं बीमार पड़ गई, मेरे को कौन दिखाएगा बताओ, है कोई मेरे घर में? ये तो कुर्सी वाले हैं, ये वोट ले लेंगे, अपने घर बंगलों में बैठ जाएंगे, जागे गरीबों को कोई देख रहा है यहाँ से, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, अपने घर भरने हैं, ये बताओ, इन्हें तो अपनी कुर्सी से है, लोगों से नहीं, गरीबों से किससे लगाओ नहीं इनको, इनको तो बस वोट मिलनी चाहिए कि हम बैठ गए मंत्री बन के, दोबारा कोई मुड़ के नहीं आएगा, अब तो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे सब, इलेक्शन भी आएंगे फिर आएंगे हाथ जोड़ के, नहीं वोट नहीं देंगे हम किसी को, नहीं देंगे मैडम, अब ये कहेंगे कि पहले लिख के दो भाई इस खत्ते को उठाओ यहाँ से, ठीक है नहीं तो हमारा फ्लैट कहीं लेकर दो हमें अच्छी जगह। आपको लगता है कि लिख के देने के बाद भी ये कुछ करेंगे? इतने सालों से आप लोग लिख के देने ने पहले भी दिया पर करते तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ एक दिखावा कर देते हैं कि हाँ भाई हम इसको उठाएंगे, कोई नहीं आता मैडम पीछे मुड़ के, कोई नहीं देखने का, जितना पैसा आता वो अपनी जेबें भर लेते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि कोई गरीब भी है यहाँ पर रहता, अपने फ्लैट जाके सेक्टरों में ले लेते हैं, कोई खरड़ जा रहा कोई कहाँ जा रहा है, अच्छी अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ वालों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक वोट से मतलब है। हमने तो किसी को वोट नहीं देनी, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले, हम किसी को वोट नहीं देने देंगे, जब तक हमारी समस्या है तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जो यहाँ पे मेयर थे वो भी मेरे ख्याल से डड्डू माटर माजरा के थे, बीजेपी का जो मेयर बना था राजेश कालिया जी, वो भी डड्डू माजरा कॉलोनी में ही रहते हैं, उन्होंने आके डंपिंग ग्राउंड के ऊपर सवेरे सवेरे आके फोटो खिंचवा लिया कि 80 दिन में इसको उठा देंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बजट भी आया इसको साफ़ करने के लिए, वो पैसा का नहीं पता, उसका साफ तो नहीं किया, ये जो दीवार बना रहे लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि कूड़ा गिरता है तो हम उसका विरोध में कॉलोनी वाले जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, दीवार बना दी इसको छुपाने के लिए, और कूड़ा बिल्कुल दीवार के साथ घेरे जा रहे हैं, और कॉलोनी का मेयर होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया। किरण खैर जी आए कि मैं अगर जीतूंगी तो सबसे पहले ये डंपिंग ग्राउंड को उठाऊंगे, लेकिन वो क्या है अपना बॉम्बे में जाके बैठ गई, उसके बाद कोई ना कॉलोनी में आए ना कुछ सुना है, तो हमें तो आज तक लोकल मेयर ने भी धोखा दिया, किरण खैर ने भी धोखा दिया, कॉलोनी वालों को कुछ नहीं चाहिए, हम उनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, कोई पैसा नहीं मांग रहे, हमें तो सिर्फ इस बदबू से इस कूड़े से निजात मिले। राजेश काली को तो मसीहा बोला जा रहा था जब वो आए थे अपनी गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने बोला जो MC बने थे उन्होंने बोला था कि तो जी तब वो बनते ना जब इसी डंपिंग ग्राउंड को उठाते, इसको तो और ज़्यादा बढ़ा दिया, जो फैक्ट्री लगा उसमें कूड़ा नहीं जा रहा सारा बाहर आ रहा है, तो मसीहा क्या हुआ, ये तो मसीहा नहीं, मसीहा के रूप में एक हमें और धोखा दिया गया है। मतलब आप ही के बंदे ने आप ही लोगों को हमारे ही कॉलोनी के आदमी मेयर बनने के बाद हमें ही धोखा दे दिया।
तो ये यहाँ के मोहल्लों के लोगों का हाल है जो आपने देखा होगा कि इस बदबू की वजह से इन्होंने अपने लोग खो दिए हैं। यहाँ पे लड़कियों की शादी तक नहीं होती है, लड़कों की शादी तक नहीं होती है, कोई यहाँ पे आना पसंद नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले जब जो रिश्ते वाले पूछते कि आप रहते कहाँ पे, अगर ये बोल दे डड्डू माजरा, तो कोई यहाँ पे रिश्ता भी नहीं होता है। सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, कहते हैं सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड बनाएंगी। जो MC बने थे वो इसी कॉलोनी के थे, उन्होंने जाके फोटो करवा ली और कहा कि 8 दिन के बाद जो है ये डंपिंग ग्राउंड खाली हो जाएगा, 80 दिन के बाद सॉरी जो है वो डंपिंग ग्राउंड खाली हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आई मुड़के। और जो किरण खेर जी आए थे, उद्घाटन किया था, 33 करोड़ रुपए उन्होंने बोला था, 33 करोड़ रुपए लगा दिए और अब इन लोगों को निजात मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला मैं भी आऊँगी, चक्कर लगा के जाऊँगी कि यहाँ पे लोगों से पूछूंगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं आई, वो भी अपने बंगले में जाके छुप के बैठ गई। वो भी चंडीगढ़ में कोई दौरा करने नहीं आई, और खासकर डड्डू माजरा की तरफ तो उन्होंने देखा भी नहीं। और अब इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे। यहाँ के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब वो वोट भी नहीं देंगे जब तक वो लिख के नहीं देते। अब ये भी नहीं कह सकते कि लिखने के बाद जो है वो डंपिंग ग्राउंड खाली होगा या नहीं होगा, क्योंकि लिख के तो ये पहले भी दे चुके हैं कि इस डंपिंग ग्राउंड को खाली कर देंगे। आप ये भी देख सकते हैं जो इन्हीं के कॉलोनी के MC थे, उन्होंने ही डंपिंग ग्राउंड का वादा किया, वो ही नहीं हटवा सके, वो भी खुद इस कॉलोनी में रहते हैं डड्डू माजरा में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बाकी अब चुनाव आने वाले हैं, अब आगे इन लोगों को इस डंपिंग ग्राउंड से निजात मिलती है या नहीं मिलती, वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन दीप बाजवा के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।